बिग बॉस 17 में ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार के बीच काफी झगड़ा देखने को मिला। दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। ब्रेकअप का कारण ईशा ने अभिषेक का ओवर पॉजिटिव होना बताया था। वहीं इस बीच अभिषेक ने कहा था कि उन्होंने ईशा की मांग में सिंदूर तक भरा था, जिसके बाद से दोनों के शादीशुदा होने के चर्चे सोशल मीडिया पर खूब हो रहे हैं। वहीं अब इस पर ईशा ने सफाई दी है। ईशा और अभिषेक ने शो उड़ानिया में एक साथ काम किया था। इस दौरान वो एक दूसरे के प्यार में पड़े। वहीं टेली चक्कर को दिए एक इंटरव्यू में ईशा ने कहा, अभिषेक ने मुझे सिंदूर नहीं लगाया था, हमारा बहुत बवाल चल रहा था उस बात पर। अभिषेक बहुत ओवर पॉजिटिव था, सब लोग बाहर खड़े थे और मैं अभिषेक कमरे में लड़ रहे थे। मैं उसे समझा रही थी कि यार तू तो ऐसी बात मत कर, तू तो एक ही इंडस्ट्री से है, तू जानता है कि तेरा अगर किसी के साथ रोमांटिक सीन चल रहा है या सुहाग रात वाला सीन चल रहा है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुझे उससे प्यार हो गया। ईशा आगे कहती है कि अब अंकित शो में मेरा पार्टनर था, उसके और मेरे शादी वाले सीन थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंकित से प्यार करने लगी या उसे मुझसे प्यार हो गया। हमारा काम है यार ये, और हमें करना पड़ता है। अभिषेक की इनसिक्योरिटी मेरे काम पर असर कर रही थी। रही बात शादी की तो उड़ानिया शो में मेरी 6 बार शादी हो गई है, अंकित से 3 बार, अभिषेक से 1 बार हो गई है। अभिषेक बहुत ओवर पॉजिटिव है, इसलिए मैंने उसे कई बार बोला है कि तुझे इंडस्ट्री की लड़की पसंद नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर हो जाता है। बता दें कि ईशा ने बताया था कि अभिषेक उन्हें लेकर काफी पॉजिटिव थे। एक दिन वो अभिषेक को अपने साथ क्लब लेकर गईं, जहां उन्होंने एक्टर को अपने दोस्तों से मिलवाया। ईशा ने बतौर बॉयफ्रेंड अभिषेक को उनके दोस्तों से मिलवाया था। तब अभिषेक ने उनसे पूछा था कि क्या उनके इतने सारे दोस्त हैं? जब उन्होंने हाँ कहा तो सबके सामने अभिषेक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की वजह से उनकी आंख के नीचे निशान पड़ गया था। अगले दिन उसी निशान के साथ वो शूटिंग करने गई। जब उनकी मां ने चेहरे पर निशान देखा तो तब उन्हें पता चला कि ये अभिषेक ने किया है। अभिषेक से रिश्ता तोड़ दिया तो वो उनकी बिल्डिंग के नीचे आकर जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाने लगा। फिर उसने ऊपर आकर दरवाजे के बाहर हंगामा किया। वहीं शो में अभिषेक ने ईशा के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो वन नाइट स्टैंड करती हैं। एक्ट्रेस की बॉडी पर कमेंट करते हुए अभिषेक ने कहा था कि ईशा ब्यूटी इंजेक्शन लेती है। हालांकि बिग बॉस खत्म होते ही दोनों ने एक दूसरे से किनारा कर लिया है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।